विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी या फिर किसी भी बड़े क्रिकेटर को आपने इस तरह का ऐड करते हुए देखा होगा, जिसमें वे किसी एक ऐप का प्रमोशन करते हुए आपको दिखाई देंगे और जिसको देखकर आप में से ना जाने कितने लोग उस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं और जिसके बाद भैया आपका मोबाइल हो जाता है हैक। अब हैक होने के बाद आपके मोबाइल के साथ क्या हो सकता है आपको पता ही होगा, या तो आपका पर्सनल डाटा लीक हो सकता है या फिर दोस्तों आपका बैंक बैलेंस शून्य हो सकता है। अब इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ हो जाती है तो क्या फिर भी आप विराट कोहली, रोहित शर्मा, एम एस धोनी को पसंद करोगे? आपका जवाब होगा नहीं। तो आखिर क्यों ये क्रिकेटर इस तरह के ऐड करते हैं या फिर ये ऐड फेक हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, आपने कभी ना कभी इस तरह का ऐड फेसबुक पर, इंस्टा पर या फिर यूट्यूब पर देखा ही होगा। अधिकतर आपको इस तरह के ऐड फेसबुक पर देखने को मिलते हैं जिसमें कोई बड़ा सेलिब्रिटी या फिर कोई बड़ा क्रिकेटर आपको एक ऐप का प्रमोशन करते हुए दिखाई देता है और वो आपको बताता है कि आप कैसे इस ऐप से जल्द पैसे कमा सकते हैं। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये ऐप अच्छा ही होगा क्योंकि इस ऐप का ऐड कर रहा है विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर एमएस धोनी या फिर कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी। उस चीज़ को देखकर कुछ ना समझ लोग क्या करते हैं, उस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं और उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उनके मोबाइल या तो हैंग होना शुरू हो जाएगा या फिर दोस्तों उनके मोबाइल में बीच बीच में ऐड आने शुरू हो जाएंगे या फिर उनके मोबाइल की जल्द से जल्द बैटरी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। अब अगर आपके मोबाइल में ऐसा होना शुरू हो चुका है तो आप मान लीजिए कि भाई आपका मोबाइल जो है वो हैक हो चुका है। अब या तो आपके मोबाइल का जो पर्सनल डाटा है आपने जो छुपा रखा है घर वालों से, अपना पर्सनल डाटा, या तो वो लीक हो सकता है या फिर भैया आपका जो बैंक बैलेंस है वो हो सकता है शून्य। अब दोस्तों कुछ लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा उनके साथ हो जाता है तो वो क्या करेंगे, वो गाली देंगे विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, एम एस धोनी को या फिर उस बड़े सेलिब्रिटी को जिसका ऐड देखकर उन्होंने उस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है, जबकि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? गलती है आपकी, जो आप उस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं बिना जाने कि भाई ये वीडियो फेक है, रियल है, ये ऐप रियल है या फिर फेक है। बिना जाने ही बस चेहरा देख लिया, आवाज़ सुन ली, बस अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया ऐप, अब उनके साथ कांड हो गया, उसके बाद गाली देते फिर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इस तरह का ऐड यदि आप फेसबुक, इंस्टा या फिर यूट्यूब पर देखते हो तो सबसे पहले तो उस ऐड को अच्छे से देखो, दिमाग लगा कर देखो कि भाई ये रियल है या फिर फेक है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के ऐड बिल्कुल फेक होते हैं। ये ऐड कैसे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं एआई की मदद से। अब एआई की मदद से किसी सेलिब्रिटी की आवाज़ ले ली, उसका चेहरा ले लिया, दोनों को फिट किया और एआई की मदद से उनकी एक वीडियो बना दी, एक वीडियो क्रिएट कर ली, कहीं से वीडियो क्लिप उठा ली, कहीं से आवाज़ उठा ली, बस उसको ज्वाइन कर दिया और भैया उस वीडियो का चला दिया ऐड फेसबुक पर, इंस्टा पर या फिर यूट्यूब पर। वैसे यूट्यूब या फिर इंस्टा पर तो ज़्यादा ये फेक चीज़ नहीं चलती हैं, ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं फेसबुक पर। आपको इस तरह के ऐड, इस तरह की वीडियो फेसबुक पर दिखाई दे जाएगी। अगर ऐसी वीडियो दिखाई दे जाए तो इस ऐप को, इस तरह के ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल ना करें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपके मोबाइल के डाटा के साथ, आपके बैंक बैलेंस के साथ कुछ भी हो सकता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो सबसे पहले तो दोस्तों आप उनको गाली देना बंद कर दीजिए जिनकी वीडियो देखकर आपने अपने मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल किया है, क्योंकि इसमें आपकी ही गलती थी। अब दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको फेसबुक पर या फिर कहीं पर भी इस तरह का ऐड दिखाई दे तो सबसे पहले तो उसको देखना है कि भाई ये रियल है या फिर फेक है, उसी के बाद उस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना। चलिए दोस्तों हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने पड़ोसी और पड़ोसन के पास ज़रूर शेयर कर देना ताकि वे इस स्कैम से बच जाएँ।